पहाड़ी जबान में अपडेट सुनिए। आज बतले हुरियत शहीद मोहम्मद मकबूल भट्ट की बरसी उत्ते पूरे मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर विच मुकम्मल हड़ताल है। इहो दिहाड़ा है जदों सन 1984 विच अपना पैदाइशी और बुनियादी हक़ खुद इरादियत मंगने की पादाश विच भारतीय मक्कार साम्राज्य सुन मकबूल भट्ट को दिल्ली की तिहाड़ जेल विच तख्त दार उत्ते चाड़ दिता सा। मकबूल भट्ट सुन फांसी का फंदा कबूल करके दा लेकिन बातल भारत के सामने सिरे तस्लीम खम नहीं किया और अपनी कौम को इधर से बगावत देगे कि अहले हक कट सकते हैं मर सकते हैं लेकिन अपने मिशन उत्ते कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। मोहम्मद मकबूल भट्ट की बाली हुई शमा हर गुजरते दिहाड़े मजीद रोशन हो रही है। कश्मीरी कौम ना सिर्फ मकबूल भट्ट बल्कि जुमला शहदाई कश्मीर को इज्जत और फखर के नाल याद कर दें। मकबूल भट्ट समेत जुमला शहदाई कश्मीर भारतीय कब्जे के खिलाफ मुजहमत की अलामत है। कश्मीरी कौम कदे भी अपने शहीदों को फरामोश नहीं कर सकती। मकबूल भट्ट को जद्दोजहद आज़ादी विच किरदार अदा करना होता भारतीय गासब हुकूमत सुन इंसाफ के तमाम असूलों की मिट्टी पलीद करद होया फांसी के फंदे उत्ते चाड़ दिता। भारत सुन आज़ादी के एक दीवे मकबूल भट्ट को के बुझाया कि हज़ारा दीए होर बढ़ गए जेड़े अपने खून के नाल तहरीक आज़ादी कश्मीर को सग ला रहे। भारत बंदूक की नोक उत्ते कश्मीरियों को डरना और खौफजदा करना चाहता है लेकिन यह भारतीय मक्कार साम्राज्य की भुल है क्योंकि वह लोग जेड़े इस पुर खतर रस्ते का इंतखाब करते हैं उन्होंने पेश नज़र इस रस्ते की सारी मुश्किल होंगे। यही वजह है कि बागैरत कश्मीरी आज़ादी पसंद आवाम अरसाए 32 साल थी भारतीय साम्राज्य के सामने झुके न बिके और कुरून उला के मुसलमाना की याद ताज़ा करते हुए हसूल मकसद के करीब पहुँच गए और हर सुबह शाम इस अजम का अदा कर रहे हैं कि शहीदों के अधूरे मिशन को हर हाल विच पाए तकमील तिकर पहुँचाया जुलसी।